बड़ों को नमस्कार, छोटे भाइयों बहनों और विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। मैं डॉक्टर नीतीश शुक्ला आज आपके सामने इस कोरोना बीमारी में उत्पन्न हुए भयानक वातावरण में कुछ कहने के लिए उपस्थित हुआ। यह वीडियो मुख्य रूप से हमने अपने विद्यार्थियों के लिए जारी किया है, उन विद्यार्थियों के लिए जारी किया है जिनके मन में तमाम आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आधी परीक्षाएं हो गई हैं, आधी परीक्षाएं बाकी हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेमेस्टर प्रणाली में काम कर रहे हैं और उनकी परीक्षाएं अभी शुरू नहीं हो पाई हैं और उनका कोर्स कुछ बाकी है। सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों की बात करता हूँ जिनकी परीक्षाएं कुछ हो गई हैं, कुछ परीक्षाएं बाकी हैं। लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं जिन और मैसेजेज आ रहे हैं जिसमें उन विद्यार्थियों को यह जानने की कौतूहल हो रही है कि आखिर उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कब से होंगी, क्या पेपर मॉड्यूल में कोई चेंज आएगा, कब होगी, कैसे होगी, क्या उनका सत्र डिले तो नहीं होगा। मैं उनकी इन सभी आशंकाओं को दूर करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार और राज्य विश्वविद्यालय के सभी कुलपति महोदय लगातार इस समस्या के निदान के लिए प्रयास कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि किस तरह से वो इस विश्वविद्यालयी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें और किसी भी तरह से विद्यार्थियों पर इस कोरोना बीमारी के कारण से कोई भी प्रभाव न हो सके। विद्यार्थियों, यह समय कोरोना नामक भयानक बीमारी ने जो लॉकडाउन के रूप में हमें दिया है, इसका सदुपयोग करने के लिए हमें पॉजिटिव माइंड होकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह समय है कि हम अपने अंदर अपनी क्षमता को पहचानें और उस क्षमता को पहचानते हुए हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करें और कुछ बेहतर प्रयास के लिए प्रण करें। यह कोई भी प्रेशर लेने का समय नहीं है, स्वतंत्र रूप से निसंकोच होकर के अपने काम को अपने ढंग से आगे बढ़ाने का समय है। जो आप पढ़े हैं साल भर में, बेहतर है कि आप उस पर प्रयास करें और उस पर अपनी सोच डेवलप करें, इंट्यूशन अपना डेवलप करें, क्योंकि यह जानते रहिए कि अगर आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा तो आपकी 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, आप स्वतः बैठ करके सेल्फ स्टडी करने की आदत बनाएं और उस सेल्फ स्टडी के दौरान अगर कोई डाउट होती है तो उसको संबंधित अध्यापकों से मैसेज या कॉल के माध्यम से दूर करें। लेकिन यह सेल्फ स्टडी को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है आपको और सेल्फ इंट्यूशन को डेवलप करने का एक अवसर मिला है, और मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और अपने को जीव और अपने को सेल्फ डेवलप करने की ओर कोशिश करें। लगातार ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है और मैं जहां तक समझता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी बात है, लेकिन मेरा यह निवेदन आपसे है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आप स्वतः प्रयास भी जारी करें ताकि आप सेल्फ मेडेड बन सकें और सेल्फ मेडेड होकर के ही इस वर्तमान समय का सदुपयोग किया जा सकता है। सेल्फ मेडेड पर्सन कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर प्रयास करके अपने को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, इसलिए सेल्फ मेडेड होने के लिए प्रयास करिए। इस यह बीमारी कहीं से भी कोई प्रेशर लेने के लिए आपको मजबूर नहीं करती है और न ही मेरा यह मानना है कि इस तरह की परिस्थितियों से विद्यार्थी भयभीत हो। विद्यार्थी एक जीवन एक संघर्ष का जीवन होता है, जिस संघर्ष के जीवन में हमें लगातार मेहनत करना, कठिनाइयों से लड़ना ही सिखाया जाता है और यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए इस जीवन से सीखने का। सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना, परिस्थितियों से लड़ना, परिस्थितियों के अनुकूल होने पर बेहतर प्रयास करना, अनुकूल न होने पर भी उनसे लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना, यही विद्यार्थी जीवन की मुख्य शिक्षा होनी चाहिए। आज इस देश में कोरोना बीमारी धीरे धीरे फैल रही है और वर्तमान समय में इतनी बड़ी जनसंख्या में इस बीमारी को, जो कि एक तरह से छुआछूत जैसी बीमारी है,
को रोकना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। फिर भी मैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में काम कर रही है, के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और भूर-भूर प्रशंसा करता हूँ कि उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और इसी तरह से अगर प्रयास जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस बीमारी से लड़ करके जीत जाएंगे और हमारा जीवन पूरी तरह से सामान्य रूप से सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ पाएगा। मैं विद्यार्थियों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप बुक स्टडी की ओर जाइए। ऑनलाइन क्लासेस कोई भी है, वो ऑनलाइन क्लासेस आपको एक मदद करती है, एक रास्ता देती है, लेकिन उस रास्ते को पा करके उस रास्ते को बृहद रूप देना और उसको एक सुसंगठित रूप से इकट्ठा करना, ये आपका ही काम हो सकता है और आप इस काम को बेहतर कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों को जानता हूं जो मेरे से पढ़े हैं या मुझसे कहीं भी मिले हैं, मेरी जो भी उनसे बातचीत हुई है, आपके अंदर अपूर्व क्षमता है। आप अपने को पहचाने और सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप पर पूछे गए सवालों की मदद से, कॉल फोन पर किए गए कॉल की मदद से अपने नॉलेज को रिच करें और समस्याओं को दूर करते हुए बेहतर करने का प्रयास करें। किसी भी तरह से किसी अफवाह पर ध्यान न दें। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन लॉकडाउन के नियमों का अच्छा पालन करें, घर में रहें, घर में रहते हुए कुछ कुछ समयों पर साबुन या हैंड वॉश से अपने हाथ को धोते रहें। अगर कहीं लान में निकल रहे हैं, अपने घर के छत पर निकल रहे हैं, तो बेहतर है कि रुमाल या मास्क हो तो मास्क से अपने मुंह को ढकें। साथ ही साथ अगर किसी विपरीत परिस्थिति में आपको बाहर जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो अपने चेहरे को ढकें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य की आवश्यकता होगी और यह धैर्य पाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि कुछ न कुछ योगा का सहारा लें और अपने आप पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ानी पड़ेगी और इस इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद योगा के बारे में भी गाइडलाइन जारी की गई है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप इन गाइडलाइन को फॉलो करें और साथ ही साथ बिना किसी अफवाह पर ध्यान रखते हुए अपने को केंद्रित करके घर में और जो पढ़े हैं उसको और बेहतर करने का प्रयास करें। अगर कहीं बहुत विशेष आशंकाएं हैं, जो आशंका आपके मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पर पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से दूर हो सकती है, तो आप उसे दूर करिए। और अगर नहीं दूर हो पा रही है तो उसके लिए चिंतित न होते हुए जो तैयार है और जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है उसको और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें। वैसे मुझे पूरी विश्वास है कि आप किताबों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इन सभी अपने संबंधित अध्यापकों से संपर्क में होंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप लॉकडाउन खत्म होगा या हमें किसी तरह की आपके एग्जाम से संबंधित कोई सूचना होगी तो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। कॉलेज की वेबसाइट पर इसे अपलोड भी किया जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भी तरह से पैनिक ना हो, कोई भी दबाव ना ले, स्वतंत्र रूप से प्रसन्न रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई को पूर्णतः ध्यान देते हुए आगे की ओर सुचारू रूप से बढ़ाएं। धन्यवाद।